हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास एट्थ का रिसोर्स का पार्ट टू देखेंगे जो हमने पिछली लेक्चर में पढ़ा था। रिसोर्स को शुरू किया था। ये वीडियो क्लास एट्थ से टेंथ तक यूजफुल रहेगा। तो हमने पिछले जो चैप्टर आपको छोड़ा था वहाँ रिन्यूएबल रिसोर्स और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के बारे में चर्चा की थी। तो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स आप देख चुके हैं। आज हम बात करेंगे ह्यूमन मेड रिसोर्स। व्हाट इज द ह्यूमन मेड रिसोर्स? हमने आपको पिछली क्लास में बताया भी था जो ह्यूमन के द्वारा जो रिसोर्स मेड किए जाते हैं, ह्यूमन द्वारा मेड किए जाते हैं उसे ह्यूमन मेड रिसोर्स कहते हैं। तो क्या डेफिनेशन होगी इसकी? ह्यूमन मेड रिसोर्स आर दोज रिसोर्स विच आर डेवलप्ड बाई ह्यूमन बीइंग वाई यूजिंग नेचुरल रिसोर्स। यानी कि नेचुरल रिसोर्स को ह्यूमन बीइंग डेवलप करता है, इसे यूज करता है और ह्यूमन मेड रिसोर्स बनाता है। अब ह्यूमन यूज कैसे करता है? टेक्नोलॉजी के द्वारा। यूज टेक्नोलॉजी टू कन्वर्ट दोज अवेलेबल नेचुरल रिसोर्स इन यूजफुल थिंग्स। कोई भी चीज, मैंने जैसे एग्जाम्पल लिया था कि बाहर हमें एयर मिलती है जो कि नेचुरल रिसोर्स है, इसको हम अपने कमरे के अंदर कैसे लाएं? तो ह्यूमन ने क्या किया कि टेक्नोलॉजी यूज करके फैन बना दिया जिससे हम एयर को अंदर ले सकते हैं। जितने भी मिनरल्स हैं, ऑयल हैं, मिनरल्स हैं, वो सारे हमारे लिए एक रिसोर्स थे और वो रिसोर्स को ह्यूमन के लिए ह्यूमन मेड रिसोर्स कैसे बने? जैसे मान लीजिए आयरन है, आयरन में ह्यूमन ने टेक्नोलॉजी लगाया और टेक्नोलॉजी लगाकर आयरन को टेबल बना दिया, चेयर बना दिया, डोर बना दिया, फैन बना दिया, और जिससे कि वो रिसोर्स के रूप में हमारे लिए काम आते हैं, यूजफुल होते हैं। तो ह्यूमन मेड रिसोर्स क्या मतलब है कि ह्यूमन ने टेक्नोलॉजी लगाकर और उसे कन्वर्ट कर दिया, उसे ह्यूमन मेड रिसोर्स कहते हैं। अब ह्यूमन मेड रिसोर्स में जैसे एग्जाम्पल में हम देखेंगे स्टूडेंट, बिल्डिंग, रोड, ब्रिज, मशीनरी, व्हीकल, ये सारे ह्यूमन मेड रिसोर्स आएंगे। ह्यूमन ने बिल्डिंग बनाते हैं, रोड्स बनाते हैं, जो रॉ मटेरियल, जो नेचुरल चीजों को यूज करते हैं, और उसमें टेक्नोलॉजी लगाकर ब्रिज बना दिया जो हमें सेटिस्फाई कर रही है, जो हमारी नीड्स को पूरा कर रही है। मशीनरीज बना दी, व्हीकल बना दिए जो हमें सेटिस्फाई करते हैं। तो ये सारे जो होते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्स होते हैं। अब स्टूडेंट, हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन मेड रिसोर्स के अलावा एक ह्यूमन रिसोर्स भी हमारा एक रिसोर्स है, क्योंकि बिना ह्यूमन के ये सारे रिसोर्स संभव नहीं है। तो ह्यूमन बीइंग आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स बिकॉज ओनली इंटेलिजेंट एंड स्किलफुल पीपुल हैव द एबिलिटी टू मेक बेस्ट यूज द एबिलिटी नेचुरल रिसोर्स। ह्यूमन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स, क्योंकि ह्यूमन के द्वारा ही एक ह्यूमन भी रिसोर्स जो है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ह्यूमन के द्वारा ही इंटेलिजेंट एंड स्किलफुल ह्यूमन ही इस एबिलिटी को, इस नेचुरल रिसोर्स को यूज करके, इसको टेक्नोलॉजी यूज करके इसको बना सकता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रखता है कि ह्यूमन रिसोर्स यानी कि स्किलफुल होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए और उसे टेक्नोलॉजी। जब ये तीनों चीजें किसी ह्यूमन के अंदर होती हैं और वो इस तीनों चीजों को यूज करके हमारे जो नेचुरल रिसोर्स हैं उनको मैं टेक्नोलॉजी यूज करके और हमारे लिए रिसोर्स में बना देता है, उसके लिए, ह्यूमन रिसोर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्टूडेंट एजुकेशन और दूसरा हेल्थ। अगर हमें इस चीज की एजुकेशन होगी, यानी कि हमने इस चीज की एजुकेशन ली है कि हम इस टेक्नोलॉजी को अच्छी तरह से सीख पाए और हमें टेक्नोलॉजी ये आती है, यानी कि हमारी जो ह्यूमन है वो स्किलफुल है, और दूसरा स्किलफुल के साथ साथ हमारे जो ह्यूमन की जो हेल्थ है वो भी बहुत स्ट्रांग है, तो वो हमारा एक ह्यूमन रिसोर्स हो सकता है। यानी कि ह्यूमन टेक्नोलॉजी यूज करके स्किलफुल बनकर और नेचुरल रिसोर्स को ह्यूमन मेड रिसोर्स में बदल सकता है, जो कि हमें सेटिस्फाई यानी कि जो हमारी वांट्स हैं उसको सेटिस्फाई कर सकता है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ह्यूमन भी एक रिसोर्स होता है। अब स्टूडेंट बात करेंगे हम आगे इंपॉर्टेंस ऑफ रिसोर्स।
इम्पोर्टेंस ऑफ रिसोर्स, इस रिसोर्स का क्या इंपॉर्टेंस है। तो स्टूडेंट इम्पोर्टेंस ऑफ रिसोर्स में देखेंगे कि ये रिसोर्स, जिस देश में ये रिसोर्स नहीं होते या ह्यूमन इसको डेवलप नहीं करता है, वो रिसोर्स, वो कंट्री, वो अनडेवलपमेंट कंट्री कहलाता है। यानी कि सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री, ये रिसोर्स जो होते हैं वो सोशियो और इकोनॉमिक डेवलपमेंट करते हैं किसी कंट्री का। सोशियो मतलब सामाजिक, इकोनॉमिक मतलब आर्थिक, ये दोनों तरह के डेवलपमेंट करते हैं किसी भी कंट्री का। यानी कि जैसे फ्रेंड्स स्टूडेंट्स मैंने कहा था बिल्डिंग, रोड, ब्रिज, ये सारी चीजें बनाकर ह्यूमन मेड रिसोर्स ने, और इसने क्या किया, हम लोगों की जो वांट्स थी उसको सेटिस्फाई किया, वांट्स को पूरा किया। तो इम्पोर्टेंस ऑफ रिसोर्स की अगर देखें, अगर किसी भी देश का सोशियो इकोनॉमिक डेवलप करना है तो रिसोर्स का होना बहुत जरूरी है। और नेचुरल रिसोर्स अगर होते हैं उसको ह्यूमन मेड रिसोर्स बनाकर और लोगों को जो बेसिक नीड्स है, जो वांट्स है, उसको पूरा करना, ये इम्पोर्टेंसी है हमारे रिसोर्स की। अब स्टूडेंट यहाँ बात उठती है कि किस तरह से हम इन रिसोर्स, जो कि आपको बताया था कुछ रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं, कुछ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं, यानी कि जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं उनकी कुछ लिमिट होती है, जिन्हें हम यूज करते हैं, जिनका हमको पता होता है, और जो रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं उनका एग्जिस्टिंग तो होता है, अस्तित्व तो होता है, लेकिन वो बाद में यूज करना होता है। तो हम कैसे इन नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल रिसोर्स को कैसे कंजर्व किए, कैसे कंजर्वेशन इसका करें, यानी कैसे इसको बचाएं जिससे फ्यूचर में भी ये हमें काम आते रहें। तो यहां पर पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स। यहां मैं एक छोटी सी स्टोरी आपको सुनाना चाहता हूं। मोना एक इमेजिंग गर्ल्स है, उसने एक सपना देखा कि चारों तरफ से धरती, जो अर्थ है, वो उसके सारे पेड़ पौधे काट दिए गए हैं, चारों तरफ से लोग परेशान हैं, कहीं वाटर नहीं मिल रहा है, कहीं फूड के लिए, सोर्स के लिए लोग परेशान हैं, और इस तरह की स्थिति पूरे उसे सपने में दिखाई देती है। उसने सुबह उठकर अपनी माँ से पूछा, क्या माँ ऐसा हो सकता है? तो माँ ने कहा कि हाँ, ऐसा संभव हो सकता है, क्योंकि अगर ह्यूमन ने रिन्यूएबल रिसोर्स और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स को अगर केयरफुली यूज नहीं किया और वेस्टेज करते गए, तो ऐसा संभव है कि ऐसा अर्थ पर हो सकता है। तो कहने का मतलब है, जो रिसोर्स हैं, जो हमें नेचर से प्राप्त मिलते हैं, और उनका यूजेज हमें केयरफुली करना होगा। तो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स के में करेंगे यूजिंग नेचुरल रिसोर्स केयरफुली विदाउट वेस्टिंग देम, द कॉल्ड इज कंजर्व ऑफ रिसोर्स। यानी कि ऐसे रिसोर्स जो हमें नेचुरली रिसोर्स जो केयरफुली यूज करने हैं विदाउट वेस्टिंग, यानी कि बिना वेस्ट किए हुए। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम वाटर को लेते हैं, तो हमें वाटर को, ये हमारा एक रिसोर्स है, इसे हम पानी खुला छोड़ देते हैं और पानी वेस्टेज होता रहता है, जो एक सीमा है, इसकी लिमिटेशन है, हो सकता है आगे खत्म हो जाए। तो इस तरह से कंजर्व करना है, केयरफुली कंजर्व करना है, और इस तरह के कंजर्व केयरफुली विदाउट वेस्टिंग टाइम्स कॉल्ड कंजर्वेशन रिसोर्स, यानी कि ऐसे रिसोर्स को हमें कंजर्व करना है। तो इस तरह से एक कॉन्सेप्ट निकल के आया कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स से, कि यूज नेचुरली रिसोर्स केयरफुली विदाउट वेस्टिंग देम इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स। इससे एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो कॉन्सेप्ट आया वो भी इसी के कंजर्वेशन के ऊपर आता है। व्हेन वी यूज नेचुरल रिसोर्स प्रॉपरली फॉर द टुडे नीड एंड आल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर जनरेशन, इट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हम रिसोर्स को यूज करते हैं, उनको हम टुडे नीड्स इज आल्सो कंजर्व, इनको कंजर्व करें और फ्यूचर के जनरेशन के लिए
एक ऐसा विकास, एक ऐसा डेवलपमेंट करें, एक ऐसे नेचुरल रिसोर्स का यूज करें जो हम तो सेटिस्फाई हों और फ्यूचर की जनरेशन के लिए भी इसको हम रख सकें। यानी कि ऑयल का यूज करते हैं तो हम ऑयल का केयरफुली यूज करें, इसका वेस्टेज ना करें, जिससे हमारी आने वाली जनरेशन को इसका लाभ मिल सके, प्रॉफिट मिल सके। हम वाटर को वेस्टेज ना करें, जिससे आने वाली जनरेशन का अर्थ के नीचे वाटर की कमी ना होने पाए। इसको हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो व्हेन वी यूज, ये ध्यान देंगे, व्हेन वी यूज नेचुरल रिसोर्स प्रॉपरली फॉर टुडे नीड्स एंड आल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर जनरेशन, इट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसको हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसी के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तहत एक चीज और स्टूडेंट्स निकल के आती है, एजेंडा 21। और व्हाट इज द एजेंडा 21, ये क्या है? रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट जून 1992 में हुई, ये ब्राजील में है प्लेस रियो डी जेनेरियो। फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट इस समय हुई थी और यहां पर एजेंडा 21 दिया गया। एजेंडा 21 इसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेके था, इसी रिसोर्स को कंजर्व करने की बात की गई थी। तो द समिट वाज कन्वर्ट फॉर द एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द ग्लोबल लेवल। इसमें ये बात की गई थी कि ग्लोबल लेवल पर अगर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना होगा तो हमें अपने एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना होगा। हमें किसको प्रोटेक्ट करना होगा? एनवायरमेंट को। मतलब हमें डेवलपमेंट करना है लेकिन इको फ्रेंडली डेवलपमेंट करना है। यहां ये नहीं कहा गया कि डेवलपमेंट नहीं करना, तो इको फ्रेंडली डेवलपमेंट करना है। तो जो एजेंडा 21 था वो रियो कन्वर्ट इंडोर्स द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल एंड एडॉप्ट एजेंडा 21 फॉर अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द 21 सेंचुरी। यानी कि ये 21 सेंचुरी के लिए एजेंडा 21 लाया गया। इसमें कहा गया कुछ फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स बनाए गए, कुछ फॉरेस्ट के नियम बनाए गए और यूज करने की कुछ लिमिटेशन बनाई गई, तो और जिससे कि हम सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ग्लोबल लेवल पर कर सके। इसलिए एजेंडा 21 रियो डी जेनेरियो समिट में आया और ये पूरे वर्ल्ड के लिए था कि पूरे वर्ल्ड को ग्लोबल लेवल पर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। इसलिए हमें इन रिसोर्स को कंजर्व करने की जरूरत पड़ेगी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम तभी सक्सेस बना सकते हैं। तो स्टूडेंट, आज हमने ये रिसोर्स का फर्स्ट चैप्टर फिनिश कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम आपको क्वेश्चन आंसर इसके करा देंगे और आप इसको एक नोट्स बनाकर इसको नोट कर लीजिए। थैंक यू।